हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम खिलाड़ी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 19th एशियन गेम 2023 जो भी रिसेंटली खत्म हुए हैं उससे रिलेटेड टॉप 40 एमसीक्यूज देखेंगे, एंड उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड काफी जबरदस्त वीडियो है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। सो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर डिस्कसिंग द एमसीक्यूज, उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। तो इसमें टोटल मेडल्स वॉन बाय इंडिया 107, जो कि हिस्टोरिक है क्योंकि इंडिया ने इसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 100 पार कर दिया मेडल टैली। एंड जिसमें से 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है एंड 41 ब्रॉन्ज है। इससे पहले 107 से पहले इंडिया का बेस्ट जो मेडल टैली था वो 70 मेडल्स का था टोटल, तो इस बार उन्होंने तोड़ दिया है। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जैसे आप देख सकते हैं, आप 2018 में 70 मेडल्स थे एंड उसके अलावा 2002 और बाकी सारा डाटा दिया हुआ है। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट रैंक हासिल की है वो चाइना ने की है विद 201 गोल्ड मेडल्स एंड टोटल 383 मेडल्स हैं उनके। सेकेंड जापान है, थर्ड कोरिया है एंड इंडिया का रैंक इसमें फोर्थ है, जिसमें 28 गोल्ड्स हैं एंड 38 सिल्वर है एंड 41 ब्रॉन्ज है एंड टोटल 107 है। तो आपको एक गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में ये भी पूछे जा सकते हैं अलग से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इसमें डेट है 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक चला। ओपनिंग सेरेमनी फ्लैग बेयरर हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी से रिलेटेड है, लवलीना बोरगेन जो बॉक्सिंग से रिलेटेड है। तो ये ओपनिंग सेरेमनी फ्लैग बेयरर थे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है। क्लोजिंग सेरेमनी फ्लैग बेयरर रहे हैं पीआर श्रीजेश जो कि हॉकी से रिलेटेड है। इसमें मैस्कॉट इसका एशियन गेम 19th एशियन गेम 2023 का ट्रिपलेट बोल सकते हैं उनको, ट्रिपलेट रोबोट्स थे जिनमें चैनचैन नाम था एक का, एक में कॉन्ग कॉन्ग एंड लियन लियन। देन 18th एशियन गेम 2018 जो इससे पहले हुआ है वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। अभी जो करंट 19th एशियन गेम्स था ये हंजाउ चाइना में होके अटा है। एंड देन जो नेक्स्ट 20th एशियन गेम्स होने वाला है 2026 में, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो एची नेओगया जापान में होने वाला है। तो आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन एडिशन टू मेडल्स हंजाउ ऑफर्ड 74 पेरिस 2024 ओलंपिक कोटास। तो ये 74 पेरिस 2024 ओलंपिक कोटास मतलब ये होता है कि डायरेक्ट वो पेरिस जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं उसके लिए नॉमिनेट हो जाते हैं प्लेयर। तो इंडिया में ऐसे 6 कोटास दिए गए हैं जिसमें 4 इन बॉक्सिंग, निखत जरीन को मिला है, प्रीति पवार को, परवीन हुड्डा को, लवलीना बोरगोहेन को एंड 1 ईच इन एथलेटिक्स एंड किशोर जीना को एंड मेन्स हॉकी टीम को। तो ये डायरेक्ट क्वालिफाई कर गए हैं पेरिस ओलंपिक्स के लिए 2024 में जो होने वाला है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहां से हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं एंड मैंने कोशिश की है कि मैंने बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस रखे हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशियन गेम 2023? तो ये हमें सब पे पता है, चाइना है इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी, और ये सिटी हंजाउ था एंड डेट थी 23 से 8 अक्टूबर 2023। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स इज बींग हेल्ड इन 2023? तो ये 19th एडिशन था, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वॉट इज द मैस्कॉट ऑफ एशियन गेम 2023? तो जैसे मैंने इसको ऊपर भी आपको एक्सप्लेन किया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्राय ऑफ रोबोट्स, आपको ट्रिनिटी भी बोले जा सकते हैं इसको, ट्रिनिटी ऑफ रोबोट्स। 3 रोबोट्स हैं ऑप्शन ए एंड ये 3 रोबोट्स हैं वो, एंड इनका नाम चैन चैन, कॉन्ग कॉन्ग एंड लियन लियन। तो आपको ऐसे नाम भी आ सकते हैं तीनों के एंड ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट, हु वर द फ्लैग बेयरर ऑफ इंडियन इंडिया इन एशियन गेम 2023? तो ये ऑप्शन है आपके और मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरमनप्रीत सिंह एंड लवलीना बोरगोहेन। ये क्रिकेट ये सॉरी हॉकी से रिलेटेड है एंड देन ये रिलेटेड है बॉक्सिंग से, तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है। इसमें जो भी हम प्लेयर्स स्पोर्ट्स पर्सन की बात करेंगे उसके साथ आपको उनके स्पोर्ट्स को याद रखना ही रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन
सा प्लेयर है जो किससे रिलेटेड है, क्योंकि इसमें कई नए प्लेयर भी उभर के आए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो उनका नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फोटो है इसकी फ्लैग बेयरिंग की। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया फिनिश इन एशियन गेम 2023। तो ये जैसे हमने ऊपर देखा था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फोर्थ रैंक है इंडिया की। एंड इसमें फर्स्ट चाइना है, सेकंड जापान है, थर्ड साउथ कोरिया है, तो आपको टॉप थ्री भी याद रखना है। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ जेवलिन गोल्ड इन एशियन गेम्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अन्नू रानी। ये इनकी फोटो है, इन्होंने गोल्ड जीता है इन जेवलिन गोल्ड, एंड ये फर्स्ट वो इंडियन वुमेन बनी है टू विन अ जेवलिन गोल्ड इन एशियन गेम्स, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हु क्लिंच इंडिया फर्स्ट मेडल इन 72 ईयर्स इन शॉट पुट एट एशियन गेम 2023। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किरण बलियान। शी वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एक, एंड ये इनकी फोटो है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स डबल्स पेयर वॉन द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम 2023। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोहन बोपाना एंड ऋतुजा भोसले। ये इनकी फोटो है। नेक्स्ट, इन विच कंट्री विल द एशियन गेम 2026 विल बी हेल्ड। तो जैसे हमने डिस्कस किया था ऊपर, राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान। एंड वेन्यू का नाम है नगोया एशी, ये सिटी है वहां, तो उसका नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया वोन द मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स एट 19th एशियन गेम 2023। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एथलेटिक्स। एंड मेडल इन एथलेटिक्स टोटल 29 मेडल्स हैं, एंड मोस्ट गोल्ड मेडल जो हमने जीते हैं इंडिया ने, वो शूटिंग में जीते हैं, 7 गोल्ड मेडल्स। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, दोनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन प्लेयर टू विन अ मेडल इन गोल्फ एट द 19th एशियन गेम्स। गोल्फ में फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू विन अ गोल्ड मेडल इन गोल्फ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अदिति अशोक। इनकी फोटो है। नेक्स्ट, विच मेडल हैज वॉन बाय इंडिया इन कंपाउंड मिक्स टीम इवेंट ऑफ आर्चरी एट 19th एशियन गेम 2023। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोल्ड जीता है। एंड ये ज्योति सुरेखा वैनम एंड ओजस प्रवीण देवताले ने जीता है, एंड ये इनकी फोटो है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन्होंने ओवरऑल। नेक्स्ट देख लेते हैं, अविनाश मुकुंद सांबले वॉन द गोल्ड मेडल इन विच स्पोर्ट। ये आपके ऑप्शंस हैं, एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज। ही ऑल्सो वॉन अ सिल्वर मेडल इन मेंस 5000 मीटर इवेंट। ये इनकी फोटो है, तो आपको ये याद, नाम याद रखना है, अविनाश मुकुंद सांबले, ये एथलेटिक्स से रिलेटेड है, एंड इस गेम में इन्होंने ये मेडल जीता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट, तजिंदर पाल सिंह तूर वॉन अ गोल्ड मेडल इन विच गेम एट 19th एशियन गेम 2023। तो ये शॉटपुट के प्लेयर हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शॉटपुट, एंड इनकी फोटो है। नेक्स्ट, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स जेवलिन थ्रो इवेंट एट 19th एशियन गेम 2023। जेवलिन, वुमेन्स जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड जीता है अन्नू रानी जी ने, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अन्नू रानी। ये इनकी फोटो है। नेक्स्ट, विच मेडल वॉज वॉन बाय इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम एट 19th एशियन गेम 2023। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गोल्ड जीता है इन्होंने, और इन्होंने फाइनल में हराया श्रीलंका को, श्रीलंका को टीम को हरा के गोल्ड जीता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया वॉन इन शूटिंग एट 19th एशियन गेम 2023। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 मेडल, 7 गोल्ड मेडल जीते हैं शूटिंग में। एथलेटिक्स में 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, आर्चरी में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, विच मेडल डिड इंडिया ड्रेसेज टीम विन इन इक्वेस्टेरियन एट द एशियन गेम आफ्टर 41 ईयर्स। तो इक्वेस्टेरियन घुड़सवारी को कहते हैं, एंड इसमें जो है गोल्ड जीता है इसमें भी इंडियन जो ड्रेसेज टीम है उसने, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। एंड ये जो प्लेयर्स हैं इनका नाम है हृदय चेडा, अंकुश अग्रवाला, दिव्य कृति सिंह एंड सुदीपति हैजेला, तो आपको ये भी नाम याद रखने हैं।
एक दो बार आप पढ़ेंगे एंड इसको रिलेट करेंगे इससे घुड़सवारी से तो आपको याद हो जाएगा। तो ये राइडर्स के नाम है तो आपको ये अभी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको पता है इसके नाम से भी पूछा जा सकता है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, हु वॉन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस वुमेन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिप्त कौर समारा, इनकी फोटो है। नेक्स्ट, पलक गुलिया हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन विच इवेंट इन 19th एशियन गेम्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन कैटेगरी में इन्होंने जीता है गोल्ड, पलक गुलिया नाम इनका, ये इनकी फोटो है। नेक्स्ट, इंडियन स्क्वाश मैंस टीम हैज वॉन विच मेडल एट 19th एशियन गेम्स? तो इन्होंने गोल्ड जीता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, पारुल चौधरी हु वॉन गोल्ड मेडल एट 19th एशियन गेम्स इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो जो पारुल चौधरी हैं ये एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं। शी वॉन अ गोल्ड इन वुमेन्स 500 मीटर इवेंट, 5,000 मीटर के इवेंट में गोल्ड जीता है, एंड सिल्वर मेडल इन वुमेन्स 3,000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट में भी इन्होंने सिल्वर जीता है। तो इनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो पारुल चौधरी आपको याद रखना है, शी इज रिलेटेड टू एथलेटिक्स। नेक्स्ट, ओजस प्रवीण देवताले इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, इनकी फोटो भी देखी थी हमने, ये आर्चरी से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्चरी। नेक्स्ट, ज्योति सुरेख वैनम हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन विच आर्चरी इवेंट? तो ये आपके ऑप्शंस है एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन्होंने कंपाउंड मिक्स टीम इवेंट में भी गोल्ड मेडल जीता है, वुमेन्स इंडिविजुअल कंपाउंड आर्चरी में भी एंड कंपाउंड वुमेन्स मिक्स टीम में भी, इनकी फोटो है। नेक्स्ट, विच मेडल हैज बीन वॉन बाय द मैंस हॉकी टीम एट 19th एशियन गेम्स? तो मैंस हॉकी टीम ने गोल्ड जीता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोल्ड, एंड जो वुमेन्स हॉकी टीम है उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, तो ये आ गया, वुमेन्स हॉकी टीम वॉन द ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम बीट डैश टू वॉन अ गोल्ड मेडल 19th एशियन गेम्स? तो मैंने आपको बताया गोल्ड जीता है, फर्स्ट आया, मतलब इंडियन वुमेन टीम फर्स्ट आई है और इन्होंने श्रीलंका को हरा के ये जीता है। इंडियन कैप्टन रहे हैं हरमनप्रीत कौर। हाउ मेनी स्पोर्ट्स वर इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट 19th एशियन गेम्स 2023? तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम किए जाते हैं इंक्लूडेड वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसमें ऐसे दो गेम्स जो थे, स्पोर्ट्स जो थे इंक्लूडेड किए गए थे, एक है ब्रेक डांसिंग एंड दूसरा है ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स में आप लोगों को पता होगा गेमिंग जो आता है वो ई स्पोर्ट्स के अंदर आता है, तो ये दो चीजें इंक्लूड की गई हैं इसमें, ऑप्शन बी, ब्रेक डांस एंड ई स्पोर्ट्स, एंड ये इसकी फोटो है। ई स्पोर्ट्स ऐसे होता है एंड ब्रेक डांस ये डांस का फॉर्म है। नेक्स्ट, मन्नू भाकर, ईशा सिंह एंड रिद्धिम सांगवान क्लिंच गोल्ड मेडल इन वुमेन्स डैश मीटर पिस्टल टीम इवेंट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25, 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में इन्होंने जीता है गोल्ड। नेक्स्ट, सरबजोत सिंह, शिवा नरवाल एंड अर्जुन सिंह चिम्मा क्लिंच गोल्ड मेडल इन मैंस डैश मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 मीटर, ये 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में गोल्ड जीता है इन्होंने, सरबजोत सिंह, शिवा नरवाल एंड अर्जुन सिंह चिम्मा। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड? तो जो फर्स्ट एशियन गेम्स थे ये 1951 में हुए थे इन न्यू दिल्ली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, क्योंकि अभी हॉट टॉपिक है तो पुराने जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1951 एंड फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया होस्टेड एशियन गेम टिल 2023? तो अभी तक इंडिया ने दो बार जो है एशियन गेम्स को वो किया है, होस्ट किया है, पहला तो 1951 में मैंने बताया एंड देन दूसरा 1982 में, तो ये आ गया 1951 एंड 1982। नेक्स्ट, इन एशियन गेम्स 1951 इंडिया वॉन डैश मेडल्स, तो इंडिया ने कितने मेडल जीते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 51 मेडल्स जीते थे इंडिया ने। नेक्स्ट, एंड टोटल मेडल टैली थी जो जापान टॉप पे था विद 60 मेडल्स
एंड सेकंड रैंक पे था इंडिया विद 51 मेडल्स। तो इसमें आपको याद रखना 1951 में जो फर्स्ट रैंक थी वो थी जापान की एंड सेकंड पे था इंडिया। नेक्स्ट, हु वाज इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट एट एशियन गेम्स 1951। तो पहले गोल्ड मेडलिस्ट कौन थे, तो इनका नाम था ऑप्शन बी सचिन नाग, यानी ये स्विमिंग से रिलेटेड थे, तो आपको भी याद रखना है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इन स्विमिंग। सचिन नाग वॉन द 100 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट इन स्विमिंग। नेक्स्ट, हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द हिस्ट्री ऑफ एशियन गेम्स। तो हिस्ट्री ऑफ एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नियो ची कोक, ऑप्शन ए। एंड सिंगापुर के थे, सिंगापुरियन स्विमर नियो ची कोक वॉन द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स, ये इनकी फोटो है। नेक्स्ट, इंडिया होस्टेड एशियन गेम्स इन 1982 इन विच सिटी। तो ये भी 1951 में जैसे दिल्ली में हुआ था, नेक्स्ट भी दिल्ली में ही हुआ था 1982 के गेम्स। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 18th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स प्लेड इन 2018। तो जो 2018 का जो अभी इससे पिछला 18th एडिशन था वो एशियन गेम्स हुए थे जकार्ता इंडोनेशिया में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन एशियन गेम 2018। तो 2018 में कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था इंडिया का और इंडिया 8th रैंक पे थी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 8th रैंक। एंड टॉप पे जो थी चाइना थी, जो लास्ट 18th एडिशन हुआ था इन इंडोनेशिया जकार्ता 2018 में। तो आज की हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन एंड डायरेक्टली आपको आ सकते हैं। सो बिफोर एंडिंग द वीडियो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड जो भी इससे रिलेटेड आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।